नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सुमित और स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द इंस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों, आज हम लोग स्पेशल डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको, इफ वाई इज इक्वल टू द पावर एक्स टू ई टू द पावर एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर टेन एक्स रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स टू द पावर साइन एक्स पहले इस फंक्शन को लिखेंगे, फिर जी एक्स अपन एफ एक्स जो रूल होता है आपको बताए थे, और इसका जो बेस होता है उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस लॉग लिखेंगे, लॉग में बेस रहता है ई टू द पावर एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। फिर प्लस करके इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो पहले उस फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, फिर टेन एक्स अपन कॉस एक्स, फिर बेस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, जैसे कि जो इसका अब रूल है कि आपको बता देता हूँ कि अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है प्लस मान लेते हैं कि एफ एक्स एच एक्स टू दी पावर पी एक्स है, ठीक है। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो जो आपका डी वाई डी एक्स होगा वो एज इट इज़ पहले इसको लिख देते हैं एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स इसके लिए बस, ठीक है, पहले इसके लिए लिख रहे हैं। तो जी एक्स अपन एफ एक्स, फिर जो एफ डैश होता है एफ डैश एक्स होगा, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स, फिर प्लस लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। फिर प्लस लेकर के आप दूसरा नंबर को इस, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तो प्लस करके आप लिखेंगे, प्लस करके यही फंक्शन को फिर से उतार देंगे, ठीक है, फिर इंटू में पी एक्स अपान एच एक्स, फिर इंटू बेस क्या है, बेस एस एक्स है तो एस डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे, फिर लॉग में बेस ले लेंगे, बेस क्या है लॉग एच एक्स, फिर इसका इनटू में इसका डिफरेंशिएशन पी डैश एक्स, ठीक है। जैसे कि ये आपको पहला क्वेश्चन दिया था, तो पहले क्वेश्चन में हम लोग ऐसे किए थे कि पहले क्वेश्चन को इसको सेलेक्ट किए थे, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का जब हम लोग सेलेक्ट किए थे तो ई टू द पावर एक्स पहले फंक्शन को हम लोग वैसे ही उतार दिए, ठीक है, फिर पावर जी एक्स अपान एफ एक्स, फिर इंटू एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप इसको डायरेक्टली इसको ऐसे लगा सकते हैं, फिर प्लस करके इस सेकेंड फंक्शन को ले लिए, तो सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ उतार दिए पूरा, उसके बाद पी एक्स अपान एच एक्स इंटू एच डैश एक्स प्लस लॉग एच एक्स इंटू पी डैश एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से, इस रूल से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस टेन एक्स टू दी पावर कॉट एक्स, ठीक है। जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आप एकदम डायरेक्टली सॉल्व करिए, बस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स हो गया, पहले इस फंक्शन को एज इट इज उतारेंगे, पहले इसको ले रहे हैं, आप ध्यान से रखिएगा, पहले एक नंबर इसको ले लीजिए, फिर उसके बाद इसका कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स अपन साइन एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन बेस का क्या हो गया कॉस एक्स प्लस लॉग लगा देंगे, लॉग लगाने के बाद बेस क्या है साइन एक्स है, और ऊपर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ये आ गया पहले के लिए, ठीक है। फिर प्लस लगा देंगे, प्लस है बीच में, फिर माइनस, फिर प्लस लगा करके फिर टेन एक्स लिखेंगे, तो टेन एक्स वाला इसको भी एज इट इज़ पहले लिख देंगे, ठीक है, कॉट एक्स, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन लिखेंगे कॉट एक्स अपन टेन एक्स, फिर इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, फिर लॉग बेस क्या है कॉट, तो टेन एक्स ले लेंगे, फिर इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स,
ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली ये आपका आंसर हो गया। फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको फाइनली ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर आप आगे जा करके आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये आपका बेसिक रूल है सॉल्व करने का, ठीक है। इस डिफ्रेंसिएशन को आप सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आंसर आपको एकदम डायरेक्टली मिल जाएगा मात्र 4 से 5 सेकंड में, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया था एफ एक्स टू द पावर जी एक्स प्लस एच एक्स टू द पावर पी एक्स, तो हमने क्या किया था, डी वाई बाई डी एक्स पहले एक नंबर को सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद उस फंक्शन को एज इट इज उतार दिया था, ठीक है। फिर जो पावर वाला है, पावर अपन बेस इंटू बेस को डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, फिर लॉग लेकर के इसको लॉग बेस एक्स इंटू पावर का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर प्लस बीच में है तो प्लस लगा दिए, फिर अब इस वाले के लिए कर रहे हैं तो इस वाले के लिए भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले उसको उतार दिए, फिर पावर अपान बेस कर दिए, फिर बेस को डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर लॉग के साथ बेस को ले लिए, फिर पावर को डिफ्रेंशिएट कर दिए, डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।